इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपका नेट नहीं हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर भी अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में। तो ये वीडियो उनके लिए है जिनका या तो नेट निकल गया है, या तो जेआरएफ निकल गया है, या तो नेट नहीं निकला है, फिर भी कैसे पीएचडी में एडमिशन लेना है, क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से हम ऐसी तैयारी कर सकते हैं कि हमारा पीएचडी में एडमिशन हो जाए। तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ पीएचडी के एडमिशन से संबंधित, कैसे टारगेट करें यूनिवर्सिटीज़ को और किस तरीके से एंड में अपना सिलेक्शन पक्का करें, इस बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ काफ़ी बच्चों का सवाल ये हो सकता है कि भाई अगर हमने नेट या जेआरएफ नहीं निकाला और उससे पहले पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो क्या फेलोशिप मिलेगा? बिल्कुल फेलोशिप मिलेगा। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि पीएचडी कर रहे हैं, उनका नेट जेआरएफ नहीं निकला है और पीएचडी करते करते वो नेट का जेआरएफ एग्जाम दे रहे हैं। इसका मतलब क्या कि मास्टर्स करने के बाद पीएचडी में एडमिशन ले लिया तो ये टाइम नहीं बर्बाद हुआ और पीएचडी करने के साथ साथ वो नेट या जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, और जैसे ही उनका जेआरएफ निकलता है, जिस डेट को जेआरएफ निकलेगा उस डेट से उनको फेलोशिप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फ़ायदा है, अपना टाइम आप नहीं वेस्ट कर सकते हैं। आप चाहें, क्योंकि अगर आपका जेआरएफ टारगेट है तो जाहिर सी बात है फेलोशिप मिलेगा, और फेलोशिप तभी मिलेगा जब पीएचडी में एडमिशन होगा। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप तो आपका ये होना चाहिए, सपोज़ आपका नेट या जेआरएफ हो गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स हो गए हैं, या नेट या जेआरएफ नहीं भी हुआ है, अगर आप पीएचडी के लिए टारगेट करना चाह रहे हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि टारगेट योर डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटीज़। तो जो भी आप यूनिवर्सिटीज़ चाहते हैं जिसमें एडमिशन लेना है आपको, आपने कुछ ना कुछ सोच के ज़रूर रखा होगा, या तो आपकी यूनिवर्सिटी में आपके फ्रेंड्स वगैरह बोलते रहते होंगे उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, उनका काफ़ी ट्रेंड होगा। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो जब मैं बीएचयू में था तो वहाँ पे जेएनयू डीयू का ज़्यादा नाम था कि भाई एमए करेंगे या यू नो ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद फिर डीयू को टारगेट करेंगे या जेएनयू को टारगेट करेंगे। तो ये आपको भी लगभग पता होगा कि किस यूनिवर्सिटी में जाना होगा और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होंगी उस हिसाब से। प्लस नेट पे सर्च करिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, होम साइंस है, कुछ भी है, नेट पे सर्च करिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ उस पर पीएचडी कराती हैं। इस तरीके से एक लिस्ट बनाइए और लिस्ट ये आपकी तैयार हो जाएगी। ऑल ओवर इंडिया आपने जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी टारगेट बनाई होगी, वो आपके सामने 5, 6, 7, 10 यूनिवर्सिटीज़, वो आप लिस्ट बना के रख लें। अच्छा, अब ये जो लिस्ट बनाई है इसमें कुछ फैक्टर्स देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है कि उन यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टीज़ क्या हैं, ठीक है, यानी कि जो पढ़ाते हैं, जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, वो कैसे हैं और क्या है, उनका नेचर क्या है, उनके बारे में कैसी बातें सुनने को आ रही हैं, अच्छा अच्छा गाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, रिसर्च वर्क में क्या किया हुआ है, कितना उनका नाम है एकेडमिक्स में, बहुत मैटर करता है ये सब करना। क्योंकि गाइस देखिए क्या है कि आप सबको पता है कि जब आप पीएचडी करने जाते हैं तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गाइड की होती है, आपको गाइड करना, तभी उसका नाम गाइड होता है, राइट, जो आपको सुपरवाइज़र होता है। तो अगर वो रिस्पॉन्सिबल होगा, वो जिम्मेदार होगा, वो एक सेन पर्सन होगा, समझदार आदमी होगा, तभी आपको वो रिसर्च में गाइड कर पाएगा, आपको चीज़ें सिखा पाएगा। अगर रिसर्च का जो गाइड है आपका वही नहीं सही है या यू नो उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पे आपका पूरा एक तरीके से लाइफ बर्बाद हो सकता है। तो हमेशा फैकल्टी ज़रूर देख लें, हो सके तो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जा कर के मिल के आएँ, बात करके आएँ, इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो पहली चीज़ लिस्ट बनाए यूनिवर्सिटीज़ की, दूसरा कि वहाँ की फैकल्टी कौन है, क्या है, आपको नाम से भी पता चल जाएगा अगर फेमस लोग होंगे तो वो पता कर लेंगे क्या फैकल्टी, कौन कौन लोग वहाँ पे पढ़ाते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं मानता हूँ वो आप देखें डिस्टेंस आपके घर से या आपके शहर से। अगर सपोज़ कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत दूर है, राइट, दूसरे स्टेट में है या 2-3 स्टेट पार करके है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि भाई जो ठीक यूनिवर्सिटी भी है और थोड़ा बगल में है आप उसको प्रेफर करें। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि भाई जो प्रोफेशनल कोर्स होते हैं उसमें देखा जाता है कि भाई टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, जैसे IIT है BTech वगैरह के लिए, MTech वगैरह के लिए, या फिर MBA के इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें लोग दूर दूर जाते हैं। PhD सब आपको खुद ही करना होता है। अगर फैकल्टी ठीक है जहाँ जिसके अंडर में आप कर रहे हैं वो ठीक है, तो ये टॉप का इतना मैटर नहीं करता है, नहीं होता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डिस्टेंस भी एक फैक्टर डालें कि बहुत ज़्यादा दूर अगर आप नहीं जा सकते तो मत जाएं, थोड़ी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी ले लें लेकिन डिस्टेंस थोड़ा सा अगल बगल हो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको एक लिस्ट बनाना है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी और एडमिशन प्रोसेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। एज सच कोई मंथ पर्टिकुलर नहीं होता है जिसमें कोई सारी यूनिवर्सिटीज
करवा रही हैं अपना एंट्रेंस, ऐसा नहीं है, आपको उनकी वेबसाइट को विजिट करना पड़ेगा रेगुलरली। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे सपोज कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो साल में एक बार एडमिशन का प्रोसेस होता है, और वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स होते हैं साल में एक बार वाला होता है, 12 मंथ वाला उनका शेड्यूल होता है। लेकिन जो यूनिवर्सिटीज़ साल में दो बार, दो सेशंस होते हैं यानी सेमेस्टर वाइज जहाँ पे एग्जाम्स होते हैं वहाँ दो बार एडमिशन्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ये सेमेस्टर वाली चीज़ को अब अडॉप्ट करती जा रही हैं, तो दो बार एडमिशन्स होते हैं हर जगह पे। आपको क्या करना है, जो आपने लिस्ट बनाई है सबसे पहले लिस्ट के बगल में उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी लिख लें। वेबसाइट लिखने के बाद आप ये देख लें कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस मंथ के अगल बगल एडमिशन प्रोसेस उनका स्टार्ट होता है पीएचडी का। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी जनवरी चल रहा है और मैंने सपोज कॉमर्स के लिस्ट बनाई कॉलेजेस की, और उसमें कोई एक टॉप कॉलेज है जो कि मार्च में एडमिशन प्रोसेस लगभग स्टार्ट होता है, तो मैं उस लिस्ट में आगे उसके मार्च लिख दूंगा और मार्च तक उस वेबसाइट को भूल जाऊंगा, उस यूनिवर्सिटी को भूल जाऊंगा, क्योंकि उसको बार बार अभी चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्च आएगा मैं लिस्ट देखूंगा, अच्छा चलो मार्च में इसके एडमिशन होते हैं, तो मैं अक्सर एक दो दिन में के गैप में उस वेबसाइट पर विजिट करने लगूंगा ये देखने के लिए कि भाई नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म का आया या नहीं। थोड़ा सा टफ है लेकिन ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, या तो आपके फ्रेंड्स आपको बता दें या कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर कोई फ्रेंड्स आपके नहीं हैं, आप अकेले हैं, तब आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको उन वेबसाइट्स पे जा करके देखना पड़ेगा कि एडमिशन के लिए कुछ आया है या नहीं आया है। तो अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी एज सच कुछ नहीं है, मास्टर्स जो भी आपको पता है 50 या 55% जो भी नेट के लिए होता है वैलिड, वही यूनिवर्सिटीज़ में भी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई नेट के बिना या नेट के साथ, तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं कि वो क्या रिक्वायरमेंट्स मांगता है, क्या एलिजिबिलिटी मांगता है, जो प्रोसेस होता है एडमिशन का बेसिकली क्या होता है। देखिए एक जो सबसे कॉमन तरीका है जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में मिलेगा वो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का। तो ये रिटन टेस्ट और इंटरव्यू लगभग हर यूनिवर्सिटी में होते हैं, लेकिन इस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में भी जो एक कॉमन तरीका है वो ये है कि भाई अगर आपका नेट या जेआरएफ हो गया है तो आपको रिटन नहीं देना। तो इसको जनरली हम लोग कहते हैं रिटन आपका एग्जेम्प्टेड हो जाता है, ठीक है, आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, नेट जेआरएफ है, रिटन नहीं देना, डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। तो ये लगभग हर जगह होता है, बीएचयू में भी यही तरीका है कि आप उनको रेट एग्जेम्प्टेड बोला जाता है। तो हर यूनिवर्सिटी में अपना एक रिटन टेस्ट होता है, सपोज अगर आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं हैं तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक रिटन टेस्ट होता है और वो फिर आपको देना पड़ेगा। नेट जेआरएफ है तो वो चीज़ नहीं देनी पड़ेगी। तो बीएचयू में जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसको कहते हैं रेट, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट या रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, इस हिसाब से इसका नाम होता है। और हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग एक उन्होंने एग्जाम का अपना नाम बनाया है, वो कराते हैं, ठीक है। तो नेट जेआरएफ है तो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, नहीं देना पड़ेगा। दूसरे टाइप की यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, और ये यूनिवर्सिटीज़ उनके लिए अच्छे हैं जिनका नेट जेआरएफ नहीं हुआ, ये जो दूसरे टाइप की यूनिवर्सिटीज़ हैं ये नेट जेआरएफ को कंसिडर ही नहीं करती, वो कहती है भाई आपका नेट है जेआरएफ है हमसे मतलब नहीं, ये रिटन टेस्ट आपके लिए है, ये हमारी यूनिवर्सिटी कराती है, इसको आपको देना ही देना है। तो जिनका नेट जेआरएफ नहीं परेशान होने की बात नहीं, अगर ऐसी कोई यूनिवर्सिटी है हो सकती है जो कि नेट जेआरएफ देखती ही नहीं, वो कहती भाई हमारा एंट्रेंस दो, हमारा इंटरव्यू दो और एडमिशन ले लो। तीसरी जो है जैसे आईआईटीज हैं, तो ये तीसरी वाली सबसे टफ है। तीसरी वाली क्या है कि भाई वो कहती है सबसे पहले तो नेट या जेआरएफ होना ही होना चाहिए, उसके बाद अगर नेट है तो भाई आओ एडमिशन लेने, और फिर रिटर्न भी देना ही देना पड़ेगा, और फिर उसके बाद इंटरव्यू तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कराती हैं, जैसे आईआईटीज हैं, तो आईआईटीज में ये तीनों चीज़ें होती हैं। तो चलिए ये हो गया एडमिशन प्रोसीजर। तो एडमिशन आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया, आपको चलिए समझ में आ गया क्या है क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि जो रिटर्न होना है, सपोज़ रिटर्न होना है, सपोज़ अगर आप आईटी में जा रहे हैं या आपका नेट जेआरएफ नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है रिटर्न देना पड़ेगा। तो रिटर्न में ये समझ लें कि कैसे तैयारी करनी है। हर यूनिवर्सिटी में रिटर्न के लिए वो जब भी एडमिशन प्रोसेस उनका चालू होता है तो वो डेमो कुछ देते हैं, या तो सिलेबस बताएंगे कहाँ कहाँ से चीज़ें आएंगी, या तो आपको वो पूरा डेमो पेपर देंगे। तो सिलेबस में भी कि कैसा पेपर आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितनी मार्किंग का होगा, कितना यू नो आपको करना है, माइनस मार्किंग है या नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें वो बताएंगे, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। तो उनका रिटर्न एक अपना अलग होता है। अब बात आती है कि भाई जो रिटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, थ्योरेटिकल होता है, कैसा होता है।
ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होता है पीएचडी का, तो जैसा नेट का पेपर होता है जनरल एप्टीट्यूड आता है, रीजनिंग मैथ्स आती है, आपका पेपर टू आता है, लगभग उसी हिसाब का वो लोग उनका अपना रिटन होता है और वो नेट के कंपैरिजन में बहुत सरल होता है। तो जो बच्चे जो नेट नहीं निकाल पा रहे कुछ परसेंट से, वो रिटन निकाल देंगे बहुत आराम से, ठीक है। तो उसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थ्योरेटिकल भी होता है, ठीक है। तो जैसे आईआईटीज़ की बात करें तो आईआईटीज़ के लिए मुझे पूछा था काफ़ी स्टूडेंट्स ने कि भाई आईआईटीज़ में जो रिटर्न होता है उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे निकालना है, क्या निकालना है। आईआईटीज़ का रिटर्न कठिन होता है कंपैरेटिवली, और उसमें लिखने वाला होता है, जैसे आपके एग्जाम में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एक पेपर मिलता है, एक नोटबुक कॉपी मिलती है जिसमें भरना होता है, वैसे ही आईआईटीज़ में, आईआईटी दिल्ली का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ पे एंट्रेंस ऐसा था और लगभग हर आईटी में ऐसा ही होता है कि आपको लिखना होता है। तो आपके लिखने पे जज करते हैं कि उसका इंग्लिश कैसा है, कंटेंट नॉलेज कैसा है, वो ज़्यादा चीज़ें जज करने की कोशिश करते हैं वो। अब जैसे सरकारी यूनिवर्सिटी है वो मतलब यू नो एक पैटर्न बना के उस धर्रे पे चला देती है, लेकिन ये लोग थोड़ा ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं, तो वहाँ पे यू नो पूरी चीज़ें आपकी देखेंगे, क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, उस पे आपकी मार्किंग होती है। तो इस तरीके से आपका आईटी में इंटरव्यू होता है, लेकिन आईटी में भी वो सिलेबस पहले दे देते हैं तो आप वैसे तैयार करके आपको जाना होता है वहाँ पे। जब मेरा आईटी दिल्ली में रिटर्न था तो मुझे आइडिया नहीं था, मैं यही सोच रहा था कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, लेकिन जब वहाँ पे गया और पेपर देखा तो मुझे लगा कि यार ये मतलब एकदम से, क्योंकि आदत ऐसी हमारी बनी हुई है ऑब्जेक्टिव टाइप देने की, और वहाँ पे मैंने देखा तो मुझे मतलब मैं थोड़ा सा वहाँ पे नर्वस हो गया, लेकिन फिर भी वो अच्छा हो गया, पेपर अच्छे खासे नंबर आ गए, ठीक है। तो ये हो गया रिटर्न। अब बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल के बारे में, यार ये जो इंटरव्यू होगा उसके बारे में। तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ उसी समय आपसे रिसर्च प्रपोजल मांग लेती हैं, वो 300 वर्ड्स, 400 वर्ड्स, 1000-2000 वर्ड, जैसे भी उनकी कंडीशन हो, जैसे भी वो चाहते हो। अब प्रॉब्लम बहुत बच्चों को ही आती है, बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि रिसर्च प्रपोजल भाई कैसे बनाएं, क्योंकि हमने कभी बनाया नहीं, कभी रिसर्च हमारे सब्जेक्ट्स में था नहीं, किसी कभी प्रोफेसर ने या टीचर ने बताया नहीं, तो अचानक से रिसर्च प्रपोजल क्या है और कैसे बनाएं। देखिए, जहां भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं पीएचडी के लिए, उनको भी पता है कि आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपनी तरफ से आप बेस्ट करके जाएंगे, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, उन्हें आप फॉलो करें, बहुत ध्यान से सुने। रिसर्च प्रपोजल सबसे पहले तो जाहिर सी बात है आप रिसर्च करेंगे वहाँ पे जाके, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में होना चाहिए, तभी तो आप इंटरेस्टेड है ना। आप उनको ये तो नहीं बता सकते कि भाई मेरा जेआरएफ हो गया है तो मुझे फेलोशिप चाहिए इसलिए मैं रिसर्च कर रहा हूँ। आपको कुछ तो बताना पड़ेगा ताकि उनको लगे कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपका पेपर टू है, आपका अपना सब्जेक्ट है, उसमें अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग यू नो सब्जेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें जो सबसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो, उन फेवरेट सब्जेक्ट में जो सबसे आपका फेवरेट टॉपिक हो उसको ले लीजिए, जो आपको सरल लगता है कि यार ये तो मुझे आता है, इसमें सब चीज़ समझ में आती हैं। तो सबके पेपर टू में कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो बहुत कठिन होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बहुत सरल होंगे। उस सरल में भी बिल्कुल सरलतम वाला जो है, जो ईजीएस्ट वाला है, वो आप टॉपिक पिक कर लें। एक वेबसाइट है scholar.google.com, इस वेबसाइट पर जाएं और वहां पे वो टॉपिक टाइप कर दें। अब उसमें क्या होता है, scholar.google.com पे आपको रिसर्च पेपर्स ही दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता है। तो वहां के शुरुआत के 3-4 आप लिंक क्लिक करें, उनको देखें, उनको पढ़ें। तो पढ़ना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, काफ़ी बच्चे डरते हैं पढ़ने से कि कौन पढ़े, लेकिन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा कि जो आपने टॉपिक डाला है उसमें कहाँ रिसर्च कैसी हो रही है, कौन कौन से रिसर्च पेपर्स हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी रिसर्च पेपर्स में, बहुत सारी नहीं आएंगी। बहुत में इंग्लिश की प्रॉब्लम होती है, एडवांस्ड थोड़ा उनका इंग्लिश घुमा फिरा के ज़्यादा लिखी होती है, बहुत सारी ईजी होती हैं। तो जो नहीं समझ में आ रहा है डरने की बात नहीं है, कुछ ऐसे पेपर ले लें जो समझ में आ रहे हैं, जो ईजी लग रहे हैं, उनको मिला जुला के कुछ ऐसा सोचें कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक बनाएं, इसको ध्यान रखिएगा। हम कभी बच्चों ने पूछा कि भाई हम टॉपिक कैसे बनाएं, या अगर बनाएं तो क्या ज़रूरी है कि उस पर हमारा पीएचडी हो। अगर वो सुपरवाइजर को पसंद नहीं आया हमारा टॉपिक तो हो सकता है हमारा सिलेक्शन ना हो। देखिए, वो बस जानना चाहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। ऐसा नहीं है कि जो हम रिसर्च टॉपिक लेकर के जा रहे हैं भाई वो बोलेंगे कि चलो भाई हम इसमें पीएचडी करते हैं। 95% केसेस में आपका रिसर्च टॉपिक बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो जो गाइड बोलेगा, गाइड के और आपके सहमति से रिसर्च टॉपिक बदल जाएगा अगर आपका सिलेक्शन होता है। आपको बस एक फॉर्मेलिटी ही कह लो कि फॉर्मेलिटी के लिए रिसर्च प्रपोजल सोच के जाना होता है, एक मॉडल सोच के जाना होता है, ठीक है। तो जो भी आपके अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपकी नॉलेज है, वो उस हिसाब से बनाएं। और अब बात आती है लिखें कैसे, ठीक है। तो कुछ हमने रिसर्च पेपर्स पढ़ लिए, चीज़ें समझ में आ गई, अब लिखें कैसे।
लिखने के लिए एक फॉर्मेट होता है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले होता है इंट्रोडक्शन कि क्या आप सोच रहे हैं, क्या आपका प्लान है, उसके स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद होता है लिटरेचर बैकग्राउंड, मतलब जो चीज़ें आपने पढ़ी, रिसर्च पेपर जो पढ़ा, क्या चीज़ें चल रही हैं वो लिटरेचर बैकग्राउंड में लिख दीजिए। उसके बाद अपनी मेथडोलॉजी लिख दीजिए और उसी में एनालिसिस भी थोड़ा एक दो पैराग्राफ का लिख दीजिए कि भाई क्या क्या करना है, ठीक है, क्या क्या आपके आइडियाज़ हैं उस बेसिस पे जो आपने लिटरेचर रिव्यू यानी जो आपने पढ़ा है, जो रिव्यू कराया है उसके बेसिस पे वहाँ पे लिख दीजिए और एंड में कंक्लूजन डाल दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत कच्चा पक्का ही मैंने आपको फॉर्मेट बताया और यही आपका चलेगा। और अगर आप ये भी ना बनाएं तो भी चलेगा, मैंने कभी ये कुछ बनाया नहीं, ठीक है, मैंने बस जो आइडियाज़ थे मेरे मन में, जो भी मैंने पढ़ा उसके बेसिस पे एक अच्छी राइटिंग में या के लिए टाइप करके लिखा था, लेकिन एक अच्छा मतलब सेंसिबल, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दे रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देना है, सेंसिबल तरीके से आपको चीज़ें लिखनी है, वो प्रेजेंट करनी है, और अगर आपसे कुछ पूछा जाता है तो उसके बारे में बताना है। रिसर्च प्रपोजल हो गया। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे दो चीज़ें होंगी, दो चीज़ों के अलावा तीसरी चीज़ और कुछ पूछी नहीं जाएगी, और तीसरी चीज़ अगर पूछी भी जाए तो आप कह दें भैया मुझे नहीं आता, ठीक है, वो भी आप कह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ मास्टर्स में क्या पढ़ा, छोटी से छोटी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ अगर सिलेबस में है तो आनी आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ रिसर्च प्रपोजल में क्या लिखा, अगर कहीं से कॉपी की करके गए हैं आप तब तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर वो कुछ पूछ लेगा, नहीं बता पाएंगे तो समझ जाएगा कॉपी करके आए। दो चीज़ों का ध्यान रखें, मास्टर्स में, रिसर्च प्रपोजल में, इन दोनों पे अगर आप क्लियर हैं इंटरव्यू निकल जाएगा, बशर्ते आपने रिटर्न निकाली हो, रिटर्न निकाली हो तो इंटरव्यू इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम अगर आप इन दोनों पे अच्छे हैं। तीसरी चीज़ अगर वो कोई भी पूछता है तो आप हकदार हैं कहने के कि भाई मैंने पढ़ा नहीं है, मुझे नहीं आता है, हो सकता है कभी कभी पूछ ले आपको फंसाने के लिए या आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ये मान के चलना है कि भाई मैंने जो पढ़ा है उसी से पूछेगा और जो वो पूछ रहा है वो मैंने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है प्रोफेसर के सामने, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है। बस इतनी सी आप चीज़ें करेंगे आपका इंटरव्यू निकल जाएगा। ओके, जो फाइनली अब इंटरव्यू निकल चुका है बहुत खुशी की बात है, और उसके बाद अब बारी आती है आपके सर्टिफिकेट्स के या जो मार्कशीट्स हैं उसके वेरिफिकेशन की। तो जब मार्कशीट्स का वेरिफिकेशन होता है, हो सकता है एंड में हो, सकता है पहले ही हो जाए, जब भी वेरिफिकेशन होगा तब आपके JRF लेटर का भी वेरिफिकेशन होगा। तो काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि भाई JRF लेटर ई सर्टिफिकेट के लिए क्या हमको UGC को कुछ भेजना है पोस्ट करके? कुछ नहीं भेजना है, आपको कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपने पेपर दे दिया, बहुत सही, बहुत सब हो गया वहीं पे, ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, UGC को कुछ भी नहीं भेजना है। जब आपका PhD का एडमिशन होगा तब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे और उसके बाद सारा का सारा प्रोसेस वहाँ से होगा। किसी किसी केसेस में ऐसा होता है कि आपका ई सर्टिफिकेट नहीं आता और जब आप साइन इन करते हैं तो UGC लिख के भेजता है कि भाई आपको भेजने पड़ेंगे सर्टिफिकेट, कुछ उनको डाउट हो सकता है। और ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि वो ऐसी केसेस बहुत रेयर हैं, लेकिन ये तब होते हैं जब किसी ने दो सब्जेक्ट से नेट का पेपर क्वालिफाई किया होता है और वो डिटेक्ट हो जाता है वहाँ पे। अगर सपोज़ किसी ने मैनेजमेंट से भी दिया है, सपोज़ किसी ने इकोनॉमिक्स से भी दिया है और अगर वहाँ डिटेक्ट हो गया तो वो थोड़ा सा डाउट करते हैं कि भाई ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, सपोज किसी का इंग्लिश लिटरेचर में है, किसी का कॉमर्स में है, तो दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो डाउट करते हैं कि कैसे इसने करा। तब वो कहते हैं कि भैया अपना तुम जो भी हाई स्कूल का मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, ये सब भेजो, डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं होता, ऐसे आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजना होता। एडमिशन प्रोसेस जब PhD में होगा तो आप वो वहाँ पे वेरीफाई करेंगे, वो अगर वैलिड होगा देन आपको फेलोशिप का आगे प्रोसीजर होगा। तो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट कि PhD में एडमिशन कैसे लिया जाए, अगर आपका नेट है तो भी और नेट नहीं है तो भी। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है गाइस प्लीज़ लाइक करिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है इस टाइप की वो कोई भी नहीं देता है। मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई इस तरीके से अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो भाई प्लीज़ शेयर बटन दबाइए, क्योंकि अगर कोई सर्च भी करता है तो इतने सारे YouTube में वीडियोस हैं कि हो सकता है उसको ये वीडियो ना मिल पाए। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई सबको ये पता चले कि भाई क्या आखिर प्रोसेस होता है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है गाइज लोगों के माइंड में और नहीं समझ में आती चीज़ें, कोई क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है या ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि भाई कहीं पर चीज़ें लिखी हैं साफ साफ। बहुत कन्फ्यूजन है, हर यूनिवर्सिटी के अपने रूल हैं, UGC का कभी अपना रूल आ जाता है, कभी कुछ चेंज हो जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, और केवल यही एक चीज़ है जो मैं आप सबसे चाहता हूँ कि शेयर ज़रूर कर दिया करिए। इसके अलावा अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए UGC नेट के एग्जाम से जुड़ी, अगर हो गया है तब भी और नहीं हुआ है तब भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबा दीजिए। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।